मुकेश अंबानी ने 1 सितंबर 2010 को मुंबई में शेयर होल्डर्स की RIL एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि AGM में कहा कि आज भारत मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस के मामले में 230 देशों में दुनिया में 155 नंबर पर है और जियो को इसको बदलने के लिए बनाया गया है। मुझे कोई डाउट नहीं है कि जियो के लॉन्च होने के बाद इंडिया टॉप 10 में आ जाएगा। अब इसके 5 साल बाद 5 सितंबर 2015 को जियो बीटा सर्विस के साथ लॉन्च हुआ, जिसमें सिर्फ उनके पार्टनर्स और एम्प्लॉय को जियो की सर्विसेज मिल रही थी। और 5 सितंबर 2016 को जियो फ्री 4G लॉन्च कर देता है। इसमें आम पब्लिक फ्री अनलिमिटेड डाटा, फ्री कॉल्स कर पाती थी। स्टार्टिंग में तो ये 5 सितंबर 2016 से लेकर 31 दिसंबर तक देता है और फिर इसको बढ़ाकर 21 मार्च 2017 तक कर दिया। अब जियो के इस एक स्टेप के बाद बाकी सारी टेलीकॉम कंपनीज का खर्चा पानी बंद हो जाता है, क्योंकि यूजर्स बहुत तेज़ी से जियो पर स्विच कर रहे थे। और ये इसलिए कि तब रिचार्ज भी महंगे थे। तब एयरटेल का जो सबसे बेस्ट प्लान था वो 255 रुपये में 28 दिन थे, जो कि 1 GB पर डे के साथ आता था। सिर्फ 3 से 4 कंपनीज ऐसी थी जिनका डोमिनेंस था मार्केट में, जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL। लेकिन इनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था, अगर ये रिचार्ज की प्राइसिंग कम नहीं करते हैं तो यूजर्स इनको छोड़कर जियो की तरफ चले जाएंगे। अब इस सिचुएशन में सिर्फ एयरटेल टिक पाता है, वोडाफोन और आइडिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जिससे ये अपने आप को मर्ज कर लेते हैं और VI बनाते हैं। और BSNL जो कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी वो चूक कर जाती है और कई सारे छोटे प्लेयर्स तो मार्केट से ही एग्जिट कर जाते हैं, जैसे यूनिनार, MTNL, रिलायंस कम्युनिकेशन, एयरसेल, MTS। ये सारी कंपनीज फाइनेंशियल प्रेशर और कंपटीशन के चलते मार्केट से बाहर हो गई। ले दे के सिर्फ 2 कंपनीज टिकी रह पाई हैं, वो है एयरटेल और VI। अब यहाँ BSNL तो खड़ा था लेकिन इसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज 4G पर शिफ्ट हो चुके थे और BSNL अभी भी 3G पे लटका था। अब जियो फ्री इंटरनेट तो दे रहा था लेकिन लोगों को इसका यूज़ करना नहीं आता था। उनको नहीं समझ आता था कि इसका यूज़ वो कहाँ करे, क्योंकि तब सोशल मीडिया के बारे में लोगों को उतना पता नहीं था, सिर्फ YouTube ही था जिसपे वो वीडियोस देख सकते थे। लेकिन जियो को तो लोगों को इंटरनेट की लत लगवाना था, जिसके लिए जियो कई सारे ऐप लॉन्च करता है जिससे वो अपने यूजर्स को एंगेज करके रख सके। टोटल 35 से भी ज़्यादा ऐसे ऐप्स हैं जो जियो के अंडर आते हैं। आपको रिचार्ज करना है तो माई जियो पे जा सकते हो, किसी से भी कंसल्ट करनी है, मीटिंग करना है तो जियो मीट पे जा सकते हो, शॉपिंग करना है तो जियो मार्ट पे जा सकते हो, और म्यूजिक सुनना है तो जियो सावन पे जा सकते हो। ऐसे कई सारे ऐप्स हैं। एक्चुअली में जियो चाहता है कि आप हर तरीके से उसके कॉन्टैक्ट में रहो। वो खुद का एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना चाहता है जिससे वो अपने अकॉर्डिंग आपको कंट्रोल कर सके, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन होगा नहीं। सोच के देखो, 140 करोड़ आबादी वाले देश में सिर्फ 2 से 3 कंपनियां पूरे देश को ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिसके बिना कोई नहीं रह सकता। सिंपल शब्दों में कहें तो जियो एक ऐसा बिजनेस मॉडल बिल्ड कर रहा है जिसमें उसका कोई कंपटीशन ही ना हो। कोई सर्विस देने के सेक्टर में कोई भी बिजनेस धड़ल्ले से चलेगा अगर आप सर्विस को फ्री कर देते हो। और ये एक फुल प्रूफ प्लान है जो जियो ने किया। पहले तो फ्री 4G दिया, फिर धीरे धीरे पैसे लेने शुरू किए जब उसका अच्छा खासा यूजर बेस बन जाता है। यूजली जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो वो सस्ती होती जाती है। जैसे आज से 8-10 साल पहले जो स्मार्टफोन 20,000 में मिलते थे, उससे भी अच्छा फ़ोन आज 10-12 हज़ार में आपको मिल जाएगा। लेकिन टेलीकॉम फील्ड में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये और महंगे होते जा रहे हैं। आपको पता होगा कि जियो ने रिचार्ज के प्लान को महंगा कर दिया है। Hello, Arbiz, many thanks for joining us. The other big story this evening, Reliance Jio has hiked tariffs for the first time in over 2 years. India's biggest telecom operators, Reliance Jio and Airtel, have raised their tariffs, and this, according to analysts, is the beginning of an industry-wide telecom rate hike. जो 155 का था वो 189 का हो गया है, जो 209 का था वो 249 का हो गया है। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। और इसी के साथ एयरटेल और VI ने भी अपने प्राइजेस बढ़ा दिए, और ये तो होना ही था, क्योंकि गवर्नमेंट जब कोई चीज़ फ्री में देती है तो वो दूसरी तरफ से वसूल भी लेती है। फिर तो ये प्राइवेट कंपनी है, इनसे हम कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते। शायद यहाँ पर आपके माइंड में आया होगा कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ बोलती इनके प्राइस हाइक पे, तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए। गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी इस मामले में। इसमें ऑफिशियल्स ने कहा कि इंडिया में टेलीकॉम टैरिफ ग्लोबल लेवल पर सबसे कम है, और ये प्राइस हाइक 3 साल बाद हुई है, जिससे कोई भी सीरियस इशू नहीं है इसमें। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अंबानी फैमिली में जो शादी हो रही है और उसमें जो खर्चा आ रहा है वो हमसे ही वसूल रहे हैं, तो आपका सोचना गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये सारे पैसे वो दान करने वाले हैं। अकेले जियो के पास 40 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, तो इनके शादी में जो रुपये दिखाए जा रहे हैं वो आपके ही हैं। रील्स देख देख कर आप बहुत खुश हो रहे होंगे कि अंबानी इसको नचा रहा है, उसको नचा रहा है, असल में वो आपको नचा रहे हैं अपने ट्रैप में। अब जियो के साथ एयरटेल और VI वाले भी चल दिए 20 से 25% प्राइस हाइक के साथ, और यहाँ पर यूजर्स का रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं जियो को। ट्विटर पर एक यूजर लिखता है कि प्री वेडिंग का खर्चा कैसे निकाला जाता है, कोई अंबानी से पूछे। एक और यूजर ट्वीट करती है कि अंबानी की शानदार शादी की खर्चा बेचारी मेरी मेड और उसकी माँ भर रही है।
ऐसे कई ट्वीट आपको मिल जाएंगे। ऐसे कई सारे ट्वीट्स और मीम्स बने हुए हैं और BSNL अब अपने प्लान्स को लेकर ट्रेंडिंग में है। BSNL एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, इसको ईयर 2000 में फाउंड किया गया था। स्टार्टिंग से ही ये प्राइवेट कंपनियों के आगे फेंका था, लेकिन अब जब जियो, एयरटेल और VI ने अपने रिचार्ज प्राइस बढ़ा दिए तो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा कि BSNL की घर वापसी। असल में इसके पीछे BSNL का सस्ता रिचार्ज है, जिसमें BSNL ने साल भर का रिचार्ज 1570 रुपये में ऑफ़र किया है, जिसमें आपको पर डे 2 GB इंटरनेट डाटा मिलेगा। यही ऑफर आपको जियो में 3 से 4 हज़ार रुपये में देखने को मिलेगा और BSNL में एक महीने का रिचार्ज 199 रुपये में 2 GB डाटा पर डे मिलेगा। इसीलिए ट्विटर पर बाइकआउट जियो ट्रेंड कर रहा है 40,000 पोस्ट के साथ। साथ ही BSNL की घर वापसी भी ट्रेंड हो रही है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।